हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है वो है रेनो की ट्राइबर, और गाड़ी देख के आप समझ सकते हैं कि गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, BS6 वर्जन है। अभी इस गाड़ी का गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं आया है CNG का। स्टिल ओनर की चॉइस थी अपनी कि वो इसमें CNG लगाना चाहते हैं, उनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने गाड़ी लेते के साथ ही इसमें CNG इंस्टॉल करा दी है। खैर, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें किस तरह की इंस्टॉलेशन की है, क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स कहाँ इंस्टॉल हुए हैं। तो चलिए पहले इंजन बे में देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, किस तरह की इंस्टॉलेशन हुई हुई है। तो ये है इस गाड़ी का इंजन बे, आप देख सकते हैं हमने इसमें CNG इंस्टॉल की है। और सबसे आगे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें लगा है फिलिंग वॉल्व। फिलिंग वॉल्व के थ्रू हम गाड़ी में CNG फिल करते हैं। ये है हमारा मैप, ये है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये हमारी गेज है, गेज का काम होता है गाड़ी के अंदर जो CNG का स्विच होता है उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में कितनी गैस है, कब दोबारा रिफिल करानी है। और पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारा ECU CNG सिस्टम का, बेसिकली आप इसे माइंड कह सकते हैं CNG सिस्टम का। ये है हमारा फ्यूज CNG सिस्टम का, और ये सबसे आगे लगी है CNG की रेल। ये गाड़ी 3 सिलेंडर है तो इसके 3 ही पिस्टन्स एक्टिव हैं। रेल का काम होता है गाड़ी के ब्लॉक में, सिलेंडर में, गाड़ी के पिस्टन्स पे गैस को पंप करना ताकि एक स्मूथ पिकअप मिल सके। इंडिविजुअली पंप करता है गैस को सिलेंडर्स में ताकि स्मूथ पिकअप रहे, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो स्मूथ रहे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं किस तरह से स्विच को हमने इंस्टॉल किया है गाड़ी में और उसकी क्या वर्किंग रहती है। तो ये है हमारा स्विच, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। अब मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, आप ऑरेंज लाइट देख सकते हैं, ये है हमारी पेट्रोल की। ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, दैट मींस अभी गाड़ी पेट्रोल पे है, CNG पे नहीं आई है। CNG अभी गाड़ी में कम है इसलिए रेड लाइट जल रही है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई है, मतलब गाड़ी अब CNG पे आ चुकी है। अब चलते हैं गाड़ी की डिक्की की तरफ और देखते हैं ट्राइबर में कितना स्पेस बचता है CNG सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा बूट स्पेस ट्राइबर गाड़ी का। ये 7 सीटर गाड़ी है और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ट्राइबर में 7 सीटर होने की वजह से CNG इंस्टॉल हो सकती है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। इसमें जो हमने सिलेंडर लगाया है वो 12 किलो का है, क्योंकि 12 किलो का सिलेंडर थोड़ा सा पतला और लंबा होता है। 14 का सिलेंडर इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि वो मोटा होता है, और इसमें 7 सीटें हैं, पीछे 2 सीटें हैं, उसमें इतना कंपैटिबल नहीं रहेगा 14 किलो का सिलेंडर। और जो ट्रिकी सिनेरियो है वो ये है कि हमें इसमें क्या है कि जो आपका स्पेयर व्हील है वो यहाँ से खुलता है, तो हम इस सिलेंडर को पूरा यहाँ चिपका के नहीं लगा सकते। दो सीन है, या तो आप सिलेंडर को पूरा यहाँ चिपका दो और जो नीचे का आपका स्टेपनी है उसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि हो जाता है कि आपकी स्टेपनी नीचे से ही खुलेगी फिर यहाँ से नहीं खुलेगी। दूसरा जुगाड़ ये होता है कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीटें हैं वो अभी निकली हुई हैं, तो क्या होता है कि जो सीट कवर वाले हैं वो इसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर देते हैं जिससे कि ये गाड़ी में वापस से दोबारा फिट हो जाए। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप सीट में ऑल्टरेशन कराना चाहते हैं या जो स्टेपनी खुलने की प्रैक्टिकलिटी है उसमें ऑल्टरेशन कराना चाहते हैं। तो चलिए अब एक छोटी सी ट्राई लेते हैं इस गाड़ी की, ओनर से पूछते हैं कि उन्होंने इसमें CNG लगाई है और CNG लगाने के बाद उन्हें क्या महसूस हो रहा है। और उनकी ब्रांड न्यू गाड़ी है और उन्होंने गाड़ी लेते ही CNG लगा ली है, तो क्या फ़र्क महसूस हो रहा है उनको CNG इंस्टॉलेशन के बाद। तो सर, हमने आपकी गाड़ी में आज CNG इंस्टॉल की है, पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी कुछ भी नहीं चली जी, आपने इतनी जल्दी क्यों इसमें CNG लगा ली? इसके सर दो कारण है। अच्छा। एक तो मेरी रनिंग जो है वो 150 किलोमीटर पर डे का है। अच्छा।
और मैं पेट्रोल जिस स्पीड से ये महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लगता मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा। अच्छा, और सीएनजी मैंने लगवाई है, मेरा फर्स्ट रीजन यही है। तो हमने जो आपकी गाड़ी में आज काम किया, आपको काम की क्वालिटी कैसी लगी और काम होने के बाद आपकी गाड़ी क्या कैसी परफॉर्म कर रही है सीएनजी पे? सीएनजी का अगर मैंने लगवाई और मैंने देखा इनका काम, बहुत अच्छा काम, साफ सफाई से एकदम लग ही नहीं रहा है कि मैंने ये बाहर से सीएनजी लगवाई है। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी से फिटेड सीएनजी आई है गाड़ी में। और जहाँ तक चलने की बात है, बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है, काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो सर ने काफी अच्छा महसूस कर रहे हो, तो खैर अपना अपना जज्बात बताने का तरीका होता है। वो इसीलिए कि सर जी पेट्रोल पे जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं ना जी, सीएनजी को लेकर के, तो मेरे लिए क्या, सभी के लिए ठीक है। लॉकडाउन में महामारी में जिस हिसाब से अभी महंगाई बढ़ी है, दो पैसे बचाने हैं तो फिर ये सब चीजें तो देखना पड़ेगा। जी जी, तो खैर सर ने बता दिया कि उनको इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है, और मैं बार बार हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि सीएनजी गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है, बशर्ते उसका इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा हुआ हो और उसकी जो ट्यूनिंग है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, हर पैरामीटर में बहुत सुकून से की गई हो, तो आपकी सीएनजी गाड़ी बहुत अच्छी फ्लॉलेस चलेगी, आपको पैसा बचा के देगी, आपका एनवायरनमेंट भी सेव करेगी। और ये एक छोटी सी बात मैं और शेयर कर दूं, बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि भाई कौन सा ब्रांड, कौन सी गाड़ी, कौन सी किट किस गाड़ी के लिए अच्छी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फला किट उसी गाड़ी के लिए बेस्ट है, किसी और के लिए कंपैटिबल नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी ब्रांड की किट, कोई भी ब्रांड की किट किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। अगर वही बात मैं रिपीट करूँगा, अगर आपकी इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी हुई हो। अब आप देख सकते हो भाई इतनी आराम से गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि लोगों ने, वैसे मैं बताऊं सीएनजी को हवा बना रखा है कि भाई सीएनजी गाड़ी, सीएनजी लगने पर गाड़ी बर्बाद हो जाती है, अच्छी नहीं चलती, बेकार चलती है। सर वो ज़माने बहुत पुराने थे, आज से 10 साल पुराने थे, जब सीएनजी की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नई थी। आज की डेट में सीएनजी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, गाड़ी एज गुड एज पेट्रोल चलती है, आपका बहुत पैसा बचाती है, आपका 3 गुना पैसा बचाती है, 3 गुना आपको फ्यूल इकोनॉमी देती है। आप सोचें कि भाई मेरी गाड़ी क्या एवरेज देगी, आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला पकड़ लो, 80-82 रुपए का अगर आपका पेट्रोल है सर, ठीक है, आपकी 82 रुपए में अगर 82 रुपीज में फॉर एग्जाम्पल 15 का एवरेज दे रही है जी, वही गाड़ी आपकी 80 रुपए में सीएनजी वाली आपको समझ लो 1 किलो में अगर 25 किलोमीटर चल रही है तो 50 किलोमीटर चल रही है सर, 80 रुपए में 50 किलोमीटर, तो 3 गुना आपको मुनाफा दे रही है गाड़ी सीएनजी पे चल के। तो अब आप सोच लो सर, आपको पेट्रोल पे चला के अपने पैसा वेस्ट करना है, या गाड़ी को घर पे खड़ा करके उसको डेप्रिशिएट करना है, या सीएनजी लगा के उस गाड़ी की जो वैल्यू आपने जो कीमत दी है उसको यूज करना है, क्योंकि देखिए कीमत तो गिरेगी। अब आप खड़े खड़े गिरा लो उसे या चला के गिरा लो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, अगर आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। जी 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 बिल्कुल सर, मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह सकता हूँ, मैंने पेट्रोल की भी गाड़ी चलाई है, मैं सीएनजी की भी गाड़ी अब चला रहा हूँ जी, मुझे कहीं नहीं फर्क लग रहा है कि मैं सीएनजी की गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पेट्रोल की ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लोग सोचते हैं कि यही ब्रांड अच्छा है, वही ब्रांड अच्छा है, तो नहीं, सारे ब्रांड देखिए, रिसर्चेस हर टाइम चलती रहती है, अरबों खरबों की कंपनियां होती हैं, ये एडवांस अपने आप को करती रहती है माहौल के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से। तो बेफिक्र होके कोई भी ब्रांड अपनी गाड़ी में आप इंस्टॉल करें, एकदम टेंशन फ्री गाड़ी को चलाएं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।